मिट्टी मैंने बना के रखी थी और आज मैंने माशाल्लाह से सारे तंदूर की अच्छी तरह से जो लिपाई है वो कर दी है। तो तेरा नाम क्या बनना? हाँ जी हाँ जी, ये लाटू लगे हुए हैं। हाँ जी उन लोगों के भी लाटू लगे हुए हैं ऐसे के। हाँ जी वो भी कीकर का दरख्त है ना। हाँ जी आ जाओ, फाइकन नीचे उतर होगा, आपने गिर जाना है और आपकी जो टांग है उसने जाना है टूट आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो तंदूर है वो हमने फिर से लगा दिया है उसी जगह पे, तो हमें जो है मुश्किल नहीं हुई, वो इसलिए कि जहाँ से हमने निकाला था बिल्कुल उसी के ऊपर रख दिया है, और जो इसमें राख वगैरह हमने निकाली थी दोबारा फिर जो है वही हमने डाल दी। और पहला ताव हमने डाला हुआ है, अभी इसमें थोड़ी लकड़ियाँ डाली हैं, अभी अभी ताव डाला है, तो ये ऊपर से कुछ लिपाई कर ली है, लेकिन अभी इसको अच्छी तरह से जलाएंगे तो दोबारा फिर से जो है मिट्टी बना के और इसकी लिपाई करेंगे, और साइडों से भी ये ख़राब हो गया तो साइडों से भी इसकी अच्छी तरह से जो है लिपाई करेंगे। तो फ़िलहाल हमने इसमें डालनी है और मोटी लकड़ियाँ, ठंडी ठंडी छाँव में जो है ना, ठंडी ठंडी छाँव में और हवा चल रही है, तंदूर की साइडों से लिपाई करनी है। तो और मिट्टी जो है वो मैं यहाँ से निकाल रही हूँ ताकि जो है वो मैं इस पानी में डाल के उसको भिगो के रखूँ और फिर इसकी साइडों से कर लेंगे लिपाई। दोपहर के टाइम हमेशा हम दोपहर के टाइम रोटियां जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप होती है, तो फिर बनाना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे आसानी होती है। तो अभी यहाँ पे हम अपने जो चूल्हे वगैरह वो लगाएंगे तो हमें दोपहर का खाना बनाने में ज़रा भी मसला नहीं होगा। वैसे भी गर्मियों में तो सारा दिन ही गर्मी होती है, शाम तक जो है वो गर्मी बहुत होती है। और अभी हमने यहाँ से ऊपर से जो है वो लिपाई कर दी है, लेकिन वो बस ऐसे ही किया, अभी अच्छी तरह से जो लिपाई है वो करनी है, और साइडों से भी हमारा तंदूर जो है वो ख़राब हुआ पड़ा है, बारिशें आती रही हैं, तो इसलिए अभी हम दोबारा से इसकी करेंगे लिपाई। तो कुछ मिट्टी जो है वो मैंने यहाँ पे पानी में भिगो के रख दी है। मिट्टी मैंने बना के रखी थी और आज मैंने माशाल्लाह से सारे तंदूर की अच्छी तरह से जो लिपाई है वो कर दी है। तो अभी माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है तंदूर, ऐसा लग रहा है कि पहले वाला है ही नहीं। तो अभी जो है सुबह इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर मैं पोचा लगाऊंगी जब ये खुश्क हो जाएगा, अभी तो ये गीला है, और इसकी साइडों से सारी जो है वो लिपाई करेंगे। और मिट्टी जो है वो मैंने और भी भिगो के रखी हुई है इसकी साइडों पर लिपाई करने के लिए। टाइम हो गया है 6 बजे का, और खाने में भी आज लेट हो गई क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और अभी माशाल्लाह से मौसम वो अच्छा हो गया, हवा चल रही थोड़ी थोड़ी, और अनाया जो है उसको हो गया था बुखार, उसकी दवाई लेके आए हैं, दवाई शवाई पिलाई है, और जो है ना वो फिर बच्ची है ना तो फिर वो रो रही थी इसलिए, और हुज़ैफ़ा खान को भी बुखार हो गया था, फ़ाइका ने अपना होमवर्क किया और यहाँ पर सो रही है, थकी पड़ी है बेचारी, और मैंने सब्ज़ी बनाई है अभी, चल खाना तो पकाना, अभी हम पकाते हैं। आ जाओ आप मेरी हेल्प करो ना, आ जाओ हुज़ैफ़ा आ जाओ। अभी हम फ़ाइका जो है वो बड़ी हो गई तो मेरी हेल्प शेल्प कर देती है, मेरे साथ काम करवा देती है, हुज़ैफ़ा उठा लो फीडर को, चलो ले के चलो उधर। अनाया जो है वो अपनी दादा जान के पास है, हाँ चूल्हे पर, चूल्हे पर पहले हुज़ैफ़ा को दूध दे देते हैं ना, का पहले रोटियां लगा लेती हूँ उसके बाद सालन बना लूँगी, क्योंकि फिर अगर अंधेरा हो गया तो तंदूर पे रोटियां लगानी मुश्किल होती है। हाँ जी ठीक है, और नया जो है वो यहाँ पे झूले में सो रही है, तंदूरी हमारी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गई है, तो अभी हम इसमें तार डाल के लगा लेंगे रोटियाँ, वो भी पहली बार अभी देखते हैं कि हमारी रोटियाँ जो है वो कैसी बनती हैं पहली बार। हुज़ैफ़ा खान जो इन्होंने वाइपर उठाया हुआ है, सूरज जो है वो भी गरूब हो गया और बस सुर्खी सुर्खी रह गई है सूरज की, और यहाँ पे जी आग मैंने जला दी है तंदूर में, अभी ऊपर से और भी लकड़ियाँ डाल देते हैं ताकि जो है
ये अच्छी तरह से सफेद हो जाए। हाँ जी फाइकू, फीडर लेके आई हो? नहीं, नहीं मिला। ठीक है, फीडर कहीं रख दिया तो मिल नहीं रहा अभी। भूख लगी है? हाँ लगी। वो जब मैं अपनी नानो लोगों के घर गई हूँ, मुझे बहुत पेट में दर्द हुआ भूख की वजह से। हाँ जी, तो अभी हम बना लेते हैं ना रोटियाँ, दोपहर में भी तो खाई थी, अभी फिर भूख लग गई है। गिर गई तो फिर हाँ जी नीचे उतरो फाई का, ये देख आ जाओ, तेरा नाम बन जासी। तेरा नाम क्या बनना? हाँ जी हाँ जी, ये लाटू लगे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, वो भी कीकर का दरख्त है ना। हाँ जी आ जाओ फाइकन, नीचे उतर आओगे, आपने गिर जाना है और आपकी जो टांग है उसने जाना है टूट। आज नीचे ये देखो, ये खतरनाक जगह पे आप चढ़ी हो, ये सारी ईंटें जो ये हिलती हैं और कपड़े भी आपने खराब कर दिए। नीचे चलो, वो देखो लातू, लातू है। हाँ जी तंदूर हो गया है सफ़ेद और आटा जो है वो मैं लेके आ गई हूँ, पानी भी लेके आए गए। पानी से पहले इसकी जो आग है उसको कर लेते हैं ख़त्म, और अब जो है मैं लगा लेती हूँ रोटियाँ। रोटियाँ जो है वो मैंने बना के रख ली हैं, और नया जो है वो रोना शुरू हो गई थी, तो इसलिए फिर उसको दूध शूध पिला के सुलाया है। ऑलरेडी मैंने कहा दूध जो है वो पहले बच्चों के लिए उबाल कर लेती है, और उसके बाद जो है मैं सालन बना लूँगी। और यहाँ पे जिसको मैंने स्ट्राई भी बिठाया था पेठे के साथ, लेकिन वो फिर भी नहीं बैठी है, और सब्ज़ी बेचारी मेरी वैसे ही पड़ी हुई है दोपहर से। दूध भी जो है जल्दी से हम उबाल लेते हैं। दूध चूल्हे पे दूध चढ़ाया, और यहाँ पे मैंने मिर्ची बनने के लिए रखी हुई है, क्योंकि अगर सालन बनाया तो फिर बच्चों ने भूखे सो जाना, तो मैंने कहा यह फिर जल्दी जल्दी बन जाएगा।